गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग क्लास टू सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज टू बी लेसन को देखेंगे। ठीक है, पीछे वाले क्लास में हम आप लोग को 500 से लेकर 1000 तक काउंटिंग नंबर के बारे में बताए थे। आज हम लोग देखेंगे क्या कि एक्सरसाइज टू बी में जो जो क्वेश्चन है उसका थोड़ा बहुत हम एग्जाम्पल आप लोग को दे देते हैं, समझा देते हैं, उसके बाद इसे आप लोग डील कीजिएगा। ओके बच्चों, चलिए अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देखिएगा बच्चों, पहला भी लिखा हुआ है राइट द फिगर। पहला क्वेश्चन है, पहला है 200 फोर टेंस सिक्स वंस। मान लीजिए ऐसे कुछ लिखा हुआ है, इसको हम लोग को क्या लिखना है, नंबर के रूप में लिखना है, डिजिट के रूप में। तो सबसे पहले हम लोग डिजिट लिखते हैं, तो 1, 10 और 100 ऐसे लिखते हैं ना। तो देखिए 1 के स्थान पे कितना है बच्चों, 6, 10 के स्थान पे कितना है बच्चों, 4, 100 के स्थान पे कितना है, 2। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिखिएगा तो आप लोग का कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, 1 के स्थान पे कितना था, 6 था, 2 के स्थान, 10 के स्थान पे कितना था, 4 था, और 100 के स्थान पे कितना है, 2। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है 300 जीरो टेंस और 5 वंस ऐसे दे दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1, 10, 100। ठीक है, 1 के स्थान पे हमारा कितना है बच्चों, 5, 10 के स्थान पे कितना है बच्चों, 0, और 100 के स्थान पे कितना है, 3। हो गया, चलिए और ले लेते हैं एग्जांपल कुछ, 400 सिक्स टेंस और 9 वंस ऐसे कुछ लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग को क्या करना है, राइटिंग वर्ड्स डिजिट के रूप में लिखना है। तो पहले क्या लिखेंगे, 1, 10 और 100। 1 के स्थान पे कितना है बच्चों, 9, 10 के स्थान पे कितना है बच्चों, 6, और 100 के स्थान पे कितना है, 4। बस हम लोग का ये डिजिट बन गया। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग को फर्स्ट में जो है इसी तरह से करके बनाना है आप लोग को। अब बच्चों बुक में जब भरिएगा तो बिल्कुल साफ साफ अक्षरों में भरिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2B का जो अगला क्वेश्चन है उसे भी एक बार देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आप लोग का वो है फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो फिल इन द ब्लैंक्स को देखेंगे। फिल अप द ब्लैंक्स लिखा हुआ है, फिल अप द ब्लैंक्स। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन 245 है मान लीजिए, और बॉक्स बना हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 100, यहाँ लिखा हुआ, फिर एक बॉक्स बनाया, यहाँ लिखा हुआ है टेंस, फिर एक बॉक्स बनाया है, अब लिख दिया वंस, अब लिख दिया वंस। तो बच्चों आप लोग को बताना है, हैंड देखिए हम लोग कैसे पढ़ते थे इसको, 1, 10, 100। ठीक है, राइट साइड से पढ़ा जाता है बच्चों, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, राइट साइड से 1, 10, 100। इधर से नहीं पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि 1, 10, 100 ऐसे नहीं पढ़ेंगे, यहाँ से इधर से पढ़ेंगे। ठीक है, तो 1, 10, 100, तो 1 के स्थान पे कितना है बच्चों, 5, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। 1, 10, 10 के स्थान पे कितना आ रहा है बच्चों, 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। 1, 10, 100 के स्थान पे कितना आ रहा है बच्चों, 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। बस इसी तरह से आप लोग को उसको फिलअप करना है। चलिए एक और देख लेते हैं, चलिए तो इसमें है, इसको बताइए आप लोग। तो पहला में 1, 10, 100, 1 के स्थान पे कितना है बच्चों, 0, तो यहाँ पे 0 भरेंगे। 10 के स्थान पे कितना है बच्चों, 4, तो यहाँ पे 4 भरेंगे। 100 के स्थान पे कितना है बच्चों, 3, तो 3 भरेंगे। इस तरह से करके हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग बताइएगा हमें, ठीक है, एक क्वेश्चन को आप लोग को बताना है हमें, आप लोग बताइएगा। चलिए आप लोग बताइए, 1 के स्थान पे कितना लिखें, 1 के स्थान पे कितना लिखे बच्चों, 5,
क्योंकि यहाँ क्या है, फाइव लिखा हुआ है तो फाइव लिखेंगे। टेन के स्थान पे कितना है, वन टेन, टेन के स्थान पे कितना है सेवन, तो यहाँ क्या लिखेंगे सेवन। और हंड्रेड के स्थान पे कितना है थ्री, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे थ्री। तो इसी तरह से आप लोग का मात्र दो ही क्वेश्चन था, एक डिजिट के रूप में लिखना था, एक फिल इन द ब्लैंक्स करना था, तो दोनों क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया है, डील कर लिया है। चलिए एक बार बुक से आप लोग देख लीजिए, बुक में आप लोग देख रहे होंगे पहला क्वेश्चन कुछ उसी तरह से है। तो हम लोगों ने क्या किया है, इसको माना है वन टेन हंड्रेड, वन के स्थान पे कितना है बच्चों जीरो, तो जीरो। टेन के स्थान पे कितना है फोर, तो फोर लिखे। और हंड्रेड के स्थान पे कितना है टू, तो टू लिखे। यानी कि संगीत जो नंबर बना वो क्या, कौन सा नंबर बना, टू हंड्रेड फोर्टी, है ना। चलिए उसी तरह से इसको देखें, वन टेन हंड्रेड, वन के स्थान पे कितना है बच्चों सिक्स, वन के स्थान पे सिक्स लिखे हैं। वन टेन, टेन के स्थान पे कितना है बच्चों फोर, तो फोर यहाँ पे लिखे हैं। वन टेन हंड्रेड, हंड्रेड के स्थान पे कितना है बच्चों, तो वन है, तो वन लिख दिए। इसी तरह से आप लोग को इसको क्या कर लेना है, वर्ड कर बना, यानी कि बना लेना है। चलिए आप लोग को आज होमवर्क में क्या हो जाएगा बच्चों, होमवर्क में, होमवर्क में आप लोग मैथ में एक्सरसाइज 2B को मेक कीजिएगा इन बुक, बुक में ही मेक कर लीजिएगा। जिनके पास बुक होगा वो बच्चे बुक में मेक करेंगे, जिनके पास बुक नहीं होगा वो बच्चे कॉपी में मेक करेंगे। ऐसे भी हम आप लोग के पास क्वेश्चन अब हमेशा सेंड कर रहे हैं, जिनके पास बुक नहीं होगा वो कॉपी में जरूर बनाएंगे सभी बच्चे। ओके बच्चों, और साफ साफ अक्षरों में, खास करके साफ साफ। ओके बच्चों।